कुरान हकीम ने सूरह बकरा में कहा फस्ताबिकुल खैरात, यानी तुम नेकियों की तरफ दौड़ो, जल्दी जल्दी नेकियां करो, फटाफट, देर ना करो। फटाफट से मुराद ये नहीं कि नेकी जल्दी जल्दी कर जाओ, यानी टाल मटोल ना करो खैर के काम में, कल करेंगे, परसों करेंगे। उमरा कर रहे हैं फिर नेकी हैं, हज कर रहे हैं फिर नेकी हैं, बच्चे ब्याह लूँ फिर मैं नेक हूँ, ये थोड़ा सा ये काम टाल मटोल। फस्ताबिकुल खैरात, नेकियों की तरफ दौड़ो, जल्दी करो। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया पांच चीज़ों को पांच चीज़ों से पहले गनीमत जानो। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे एक तो तुम जवानी को ना बुढ़ापा आने से पहले पहले गनीमत समझ लो। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे कि अपनी सेहत को गनीमत जान लो बीमारी आने से पहले पहले। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे अगर अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है, वुस्सत दी है, तो नेकी कर लो, खर्च कर लो अल्लाह के रास्ते, खुदा न खास्ता तुम पर गरीबी आ जाए। और फिर हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे अगर तुम्हें अल्लाह ने कुछ फरागत दी है, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ नहीं हो, तो गनीमत जान लो, जल्दी से नेकी कर लो कबल इसके कि तुम मशगूल हो जाओ। और पाँचवीं बात हुजूर ने बयान की, फरमाया ज़िंदगी को गनीमत जानो मौत आने से पहले पहले, जल्दी से नेकी कर लो। नेकी के लिए सारी ज़िंदगी मनसूबाबंदी ना करते रहो, नेकी के लिए। देखो ना, हमारी ज़िंदगी में यहाँ दुनिया में रह के चंद मिनटों में वो नेकी की जा सकती है जो कयामत के बाद सदियों का हमारा फ़ायदा करेगी, सदियों का फ़ायदा करेगी। करते नहीं, प्लानिंग कर रहे हैं, मनसूबाबंदी कर रहे हैं, बस तैयारी कर रहे हैं, बस हज़रत आप दुआ कर दें, अल्लाह ताला दुआएं भी कबूल फरमाने वाला है। लेकिन जो नेकी नसीब होती है उसे जल्दी से कर गुजरें, उसे फटाफट करें। मेरे एक संगी हैं तो सड़क पे कोई बंदा खड़ा होता है ना, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, बंदा खड़ा होता है तो कहते हैं मैं उससे पूछ लेता हूँ बाबा जी किधर जाना है, फलानी जगह जाना है, तो कहते हैं मैं मोटरसाइकिल पर बिठा लेता हूँ, बंदा देख के मुझे समझ आ जाती है ज़रूरतमंद है, मैं उसे मंजिल तक नेकी जितनी मुयस्सर आए, जिस हद तक मुयस्सर आए। क्या कहा हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने, हुजूर ने हमसे फरमाया कुछ ना ना हो सके तो बात ही मुस्कुरा के कर लेना, इस पर ही अल्लाह सदके का सवाब अता कर। फस्ताबिकुल खैरात, जल्दी से नेकी कर लो, अपने नामाया माल में रोज नेकियां जमा करो, कोई ना कोई खैर का काम रोज करो और जल्दी से करो। सही मुस्लिम में हदीस है नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे जल्दी जल्दी नेकी के काम कर लो उन फितनों से पहले जो अंधेरी रात के हिस्सों की तरह फितने होंगे। फरमाया उस वक़्त हाल ये होगा कि आदमी सुबह मोमिन होगा, शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन होगा तो सुबह काफिर हो जाएगा। और फरमाया लोग दुनिया के बदले अपना दीन तक बेच डालेंगे, माज़अल्लाह झूठी कस्में नहीं खाई जाती, लोग दुनिया के लिए दीन बेच डालेंगे उससे पहले पहले जब फितने इतने ज़्यादा हो जाएं, उससे पहले पहले नेकी कर लो, कोई खैर का काम कर लो, जल्दी से कुछ ऐसा कर लो। हज़रत उकबा बिन हारस रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये देखें हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत क्या है, हुजूर का उसवा क्या है, नबी पाक अलैहिस्सलाम हमारी तरबियत किस तरह करते हैं। हज़रत उकबा बिन हारस रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं हमने नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ ना असर की नमाज पढ़ी, ये सही बुखारी में मौजूद है। फरमाते हुजूर सलाम फेरते ही फौरन उठ के घर तशरीफ ले गए, ये हमारे लिए ना अनोखी बात थी, गैर मुतवक्के थी, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। सलाम फेरा नमाज का, हुजूर जल्दी से तशरीफ ले गए। अब हम हैरान थे और हैरत अंगेज तौर पर हैरान थे कि करीम इतनी जल्दी तशरीफ ले गए, थोड़ी देर हुई हुजूर वापस आ गए तो महबूब पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे घर में ना एक छोटी सी डली, एक छोटा सा टुकड़ा सोने का पड़ा था, माल आया था सारा सदका कर दिया, वो थोड़ा सा पड़ा था, अचानक मुझे याद आया वो तो पड़ा रह गया। तो हुजूर फरमाने लगे मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो जाए कि सारी रात गुजर जाए और मेरे घर में पड़ा ही रह जाए, मैं जल्दी से जाके उसे खैरात कर दूं। मैंने खैरात किया फिर मैं वापस आ गया हूँ, जल्दी से नेकी, जल्दी से नेकी कर ली जाए। हम बड़ा इंतज़ार कर रहे हैं, बड़ा लंबा हमारा प्रोग्राम है, हमारे पास टाइम ही बड़ा है, किसी ने कान में कह दिया है तेरे पास बड़ा वक्त है, अभी तो बड़ी उम्र पड़ी है, अभी तो जनाब। ओ मेरे भाई, ये लोगों के कहने की बातें हैं, फिर पता ही नहीं चलता हालात किस तरह के हो जाते हैं और क्या मामलात इंसान के साथ दरपेश होते हैं। जितनी खैर मुयस्सर आए,
जितना भला मुयस्सर आए, जितनी इंसान को तौफीक मिले। मैंने बुज़ुर्गों को देखा अपने असहाब को, पहले वो खुदाम से कहते कि मैं सोने लगाऊं, और पाबंद करते लोगों को कि फ़लाँ वक्त, बुज़ुर्गों को मैंने देखा अपने, वो पाबंद करते लोगों को कि फ़लाँ वक्त मैं मौजूद होऊंगा आना, खुद पाबंद फरमाते। और फिर जब बेदार होते ना तो सबसे पहले खुदाम को बुला के पूछते कोई मेहमान तो नहीं आया, और जनाब आपने खुद ही तो पाबंद फरमाया फ़लाँ दे नाना, कहने लगे चल यार अगर कोई आया तो मुझे मिला लो, मेरी मुलाकात करा लो। क्यों? इसलिए कि दूर से आया है, मुझसे मिलने आया है, कोई खैर की बात सीखने आया, चलो मेरे नाम या माल में को नेकी जाएगी, कुछ ना कुछ खैर जमा कर ली जाए, कुछ ना कुछ ड्यूटी कर ली जाए, कुछ काम करें और जल्दी से करें। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, ये भी बुखारी में मौजूद है, कहते हैं एक सहाबी ना नबी पाक अलैहि सलाम की बारगाह में हाजिर हुए गज़वाए उहद के मौके पर, और हाल उनका ये था कि वो खजूर खा रहे थे और खजूर उन्होंने मुंह में रखी हुई थी। हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अगर मैं शहीद कर दिया जाऊं तो कहां जाऊंगा? हुजूर फरमाने लगे जन्नत में। तो कहते उन्होंने जो खजूर मुंह के अंदर थी ना वो उन्होंने निगली नहीं, अंदर नहीं ले गए, उसको बाहर निकाला और दौड़ के आगे बढ़े और जंग करनी शुरू कर दी और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। क्या सबक दिया उन्होंने? सबक ये दिया कि नेकी करने में इतनी देर भी नहीं करनी जितनी खजूर खाने में देर लगती है, जल्दी से नेकी करनी है, फटाफट नेकी करनी, उसके अंदर टाल मटोल नहीं करना। उसी वक्त उन्होंने खजूर बाहर निकाल दी, दौड़ के उन्होंने हजरत अंस बिन नदर रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अंस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु के चचा हैं, मैदान उहद में ना उहद पहाड़ के करीब खड़े थे, लोगों से कह रहे थे जल्दी जल्दी इधर आओ, वो जन्नत जो इंसान को इंतकाल के बाद नसीब होगी और क़यामत के बाद नसीब होगी। फरमाते थे मुझे तो अभी उहद पहाड़ के अंदर से जन्नत की खुशबू आ भी रही है, लिहाजा जल्दी से आओ, इधर दौड़ो, जिहाद करो, आओ कुफार से लड़ें। तो नेकी में देर नहीं करनी, जो नेकी मुयस्सर आती है, जिसको मुयस्सर, माँ बाप मुयस्सर हैं तो खिदमत कर लें, अहले खाना हैं तो उसने सलूक कर लें, अल्लाह ने औलाद दी है तो अच्छी तरबियत कर लें, दोस्त हैं तो खैरखाई कर लें, अगर आपको अल्लाह रमज़ान अता करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी इबादत कर लें, अगर नज़र ठीक है तो तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा कर लें, ज़ुबान चलती है तो रज रज के मदीने वाले महबूब पे दुरूद व सलाम पढ़ लें, अल्लाह ताला का जिक्र कर लें, जल्दी से खैर जमा करें, अपने वक्त को ज़ाया न करें।